दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर चलत शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश के पेपर में आपके इंग्लिश ग्रामर में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको 2016, 17, 18 और 19 में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको करने होते हैं कि आप इसमें मिस्टेक ना करो, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं जिसमें फुल मार्क्स मिलना होता है वो भी कट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सारे क्वेश्चन 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अ पीस ऑफ लैंड मतलब कोई ऐसी लैंड हो जो पूरे वाटर से घिरा हो, ठीक है, पूरा वाटर से घिरा हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसलैंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक वर्ड में आइसलैंड, द्वीप, ठीक है, हिंदी में से द्वीप कहते हैं। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर मतलब कोई ऐसा लैंड जिसके चारों ओर वाटर हो उसे हम क्या कहेंगे, आइसलैंड, क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड मतलब कोई ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हो, ठीक है, या इस दुनिया में ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनाथ। अनाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्फेन, ऑर्फेन, ठीक है, ऑर्फेन मीन्स होता है अनाथ, क्लियर है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड कॉल्ड ऑर्फेन, क्लियर है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री मतलब व्यक्ति जो अपने कंट्री से प्यार करता, ओन कंट्री, ठीक है, अपने खुद के कंट्री से, देश से प्यार करता, उसे हम क्या कहेंगे, देशभक्त, ठीक है, जो अपने देश से प्यार करे उसे क्या कहेंगे, देशभक्त, और इंग्लिश में हम लोग उसको पैट्रियॉट कहते हैं, ठीक है, PATRIOT, क्लियर है। आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक इसमें मत करना, नहीं तो आपको जो एक नंबर या दो नंबर करेगा वो कट जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना करें। फोर्थ है अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट मतलब ऐसी जगह, प्लेस ऐसी जगह जहाँ पर, वेयर एक्सपेरिमेंट आर करें मतलब जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, उसे हम लेबोरेटरी कहते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, क्लियर है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रयोगशाला, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम करते हो या होता हो, ठीक है। फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट, अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड और ग्रोन मतलब कोई ऐसा बगीचा, गार्डन मीन्स बगीचा, वेयर जहाँ पर फ्रूट मतलब फल, आर फाउंड मतलब जहाँ पर फल पाया जाए या फलों उगते हो, ठीक है, ग्राउंड मतलब फलों का बगीचा, इसे हम लोग कहेंगे, और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्कर्ड, ORCHART, ठीक है, ऑर्चर्ड, इसे हम कहते हैं फलों का बगीचा। अ गार्डन वेयर फ्रूट आर फाउंड मतलब जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट का पेड़ हो या पर फ्रूट उगते हो या, ठीक है। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, सिक्स है द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब द लेटर विच डज नॉट मतलब कोई ऐसा लेटर हो जिसमें नेम ऑफ द राइटर, लेटर हो जिसमें जो राइटर है, जो यहाँ पर राइटर जिसने लिखा है उसका नाम न लिखा हो, ठीक है, कोई गुमनाम लेटर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनोनिमियस, ANONYMOUS, ठीक है, एनोनिमियस। इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा लेटर हो जिसमें लिखने वाले का नाम न दिया हो, ठीक है, जिसे हम लोग गुमनाम लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंडेड ऑफ डिजीजेज मतलब कोई ऐसा नुस्खा जो हर प्रकार के डिजीजेज के लिए काम करे, ठीक है, तो इसे हम रामबाण कहते हैं, ठीक है, रामबाण, पैनेसिया इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अ रेमेडी कोई ऐसा नुस्खा जो सभी रोगों के लिए काम करे, ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। बात करते हैं नौ, आठवां है विच कांट बी सीन मतलब जिसे हम देख ना सके, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इनविजिबल मतलब अदृश्य, इनविजिबल, क्लियर है, विच कांट बी सीन। नौवा क्वेश्चन है अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सके और नॉर राइट ना ही पढ़ सके, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अनपढ़, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट, क्लियर है, अनपढ़, ना जो कोई लिख सके और ना ही पढ़ सके। बात करते हैं दसवां की, अ ट्रैवलर इन स्पेस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो स्पेस में ट्रैवल करता हो, ठीक है, इसे तो हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, क्लियर है। तो आई होप ये आपको सभी समझ में आ गया होगा, इसी टाइप के आपको जो भी रहे उसका पहले हिंदी में मतलब समझो,
फिर उसके लिए क्या एक वर्ड सूटेबल होगा वो उसका लिख दो। आपको इसी तरीके से मैं एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं करा रहा हूँ, जिससे आपका इंग्लिश ग्रामर पूरा एकदम अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो अगर अब तक आपने हमारा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर और पिछले 5 साल का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। इसकी फीस मात्र 500 रुपये है, लेकिन 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इसकी फीस मात्र 400 रुपये है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9682790987 पर आप मैसेज कर सकते हैं सर हमें आपका ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करें, अगर इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।